अच्छा खाना ना किसी ब्रांड का मोहताज नहीं होता। हम भी आज ऐसी जगह आए हैं जो कि ब्रांड नहीं है, जो कि शॉप भी नहीं है, बट यहाँ एक ऐसी क्वालिटी और टेस्ट मिलेगा आपको जो किसी ब्रांड से बहुत बेहतर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, बताता हूँ मैं कहाँ आया हूँ और क्या टेस्ट है इनका। क्या हाल है मेरे टेस्ट पार्टनर, स्वागत है आपका फिर से अपने चैनल टेस्ट पार्टनर में। आपने डोमिनो पिज़्ज़ा का पिज़्ज़ा तो बहुत खाया होगा ना, मैं आपको ऐसी जगह पे लेके आया हूँ जहाँ पिज़्ज़ा आपको उनसे बेटर क्वालिटी का मिलता है। नाम नहीं होगा, ब्रांड नहीं है, बट एक ऐसा पिज़्ज़ा है जो आपको चीज़ भर भर के मिलेगा और जो उसका बेस है ना इतनी अच्छी क्वालिटी का है कि आप खा के कहेंगे यार वाह मज़ा आ गया। मैं आया हूँ इस टाइम पर गीता कॉलोनी में, गीता कॉलोनी में रामलीला ग्राउंड के बिल्कुल बाहर है भैया का जैन पिज़्ज़ा। जी हाँ दोस्तों, ये सिर्फ एक कार्ट है, कोई शॉप नहीं है। आप किसी से भी यहाँ पर पूछिए, जैन पिज़्ज़ा इनका फेमस है। आप सोच रहे हो जैन पिज़्ज़ा, इनके पास जैन पिज़्ज़ा भी है, इनकी स्पेशलिटी जैन पिज़्ज़ा भी है इनके पास विदाउट अनियन वाला, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। चलिए आइए भैया से बात करते हैं जो यहाँ के ओनर हैं, इनसे बात करते हैं। दोस्तों भैया नमस्कार, नाम बताइए भैया का। मेरा नाम कमलेश जैन है और मैं जैन पिज़्ज़ा का ओनर हूँ। भैया कब से हैं आपके साथ? ये जो आज आप देख रहे हैं मेरे को 2017 से आप मेरे को, मैं यहाँ पर गीता कॉलोनी में पिज़्ज़ा लगा रहा हूँ और आप पहले भी मुझसे कई बार आप देखो रूबरू हो चुके होंगे, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपके टीमों के लिए, आपके प्यार और मोहब्बत के लिए। और सर फिर कौन कौन सी क्वालिटी का पिज़्ज़ा भैया, कौन कौन सा पिज़्ज़ा है? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरे पास अपना जैन पिज़्ज़ा सिर्फ तो अवेलेबल रहता ही है जो कि बिना प्याज का रहता है, शिमला मिर्च और टमाटर और स्वीट कॉर्न के साथ अवेलेबल रहता है। ये एक स्पेशलिटी है हमारे लिए जो कि हमारे जैन पिज़्ज़ा से खास होते रहता है। इसके अलावा मेरे पास प्याज वाले ये पिज़्ज़ा रहते हैं, उसमें आपको मिक्स वेज पिज़्ज़ा मिलेगा, आपको डबल चीज़ पिज़्ज़ा मिलेगा, एक आपको पनीर चीज़ पिज़्ज़ा है, एक आपका मशरूम चीज़ पिज़्ज़ा है, आपका स्वीट कॉर्न पिज़्ज़ा है और एक आपका प्लेन पिज़्ज़ा है। भैया के पास एक खास स्कीम है, मैं आपको बताऊं, आप सुन के भी हैरान रह जाएंगे। भैया क्या स्कीम है बता दीजिए। वो स्कीम यह है कि आपको पिज़्ज़ा पसंद टेस्ट ना आने पर आपको फुल पैसे रिटर्न की गारंटी है। कोई देता है ब्रांड डोमिनोज या पिज़्ज़ा हट में किसी ने आपको आज तक ऐसा बोला कि आपको पिज़्ज़ा पसंद ना आए तो फुल रिफंड? और मैं आपको बताऊँ, ये पिज़्ज़ा में चीज़ इतना सारा डालते हैं ना कि आप देखते रह जाएंगे। बिल्कुल जी भैया, अपनी टैगलाइन क्या बता दीजिए एक बार। टैगलाइन है हमारी, माल ज़्यादा रेट आधा। ये हमारे साथ कुछ कस्टमर्स हैं जो पिज़्ज़ा पैक करा रहे हैं, इनसे बात करते हैं कौन सा पैक करा रहे हैं, कब से आ रहे हैं। हेलो मैम, नाम बताइए पहले अपना। एकता कपूर है। एकता कपूर, या कब से आ रहे हैं मैम यहाँ पे आप? आठ सात आठ मंथ हो गया। तो कौन सा वाला पिज़्ज़ा ले रहे हैं आज? आज हम ले रहे हैं स्वीट कॉर्न। स्वीट कॉर्न, तो आपने और अभी और पिज़्ज़ा ट्राई करें इनके? हाँ बहुत सारे कैसे हैं? क्या बहुत अच्छा है? सबसे वगैरह का पिज़्ज़ा हम नॉर्मल खाते हैं, खाते हैं वो सब छोड़ के हम इस कार्ट पे आए हैं। बिल्कुल, यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि ये वो टाइम से खा भी रहे हैं हम और इनका टेस्ट भी कुछ वहाँ से अलग है। तो चीज़ वगैरह मस्त मस्त ज़्यादा होता है, काफ़ी सुना है कि बहुत 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 अच्छा अच्छा है। आप सर काफ़ी टाइम से खा रहे हैं और देखिए छोटा सा कार्ट है, इस पर आ रहे हैं लोग तो ज़रूर इसमें पिज़्ज़ा में ज़रूर कोई बात होगी। मैं आपको अभी हम भी लेंगे दिखाएंगे। आपको कौन सा पिज़्ज़ा पसंद है, नाम बता दीजिए अपना। नाम क्या हो गया? नहीं बताना, चलो कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। अभी हम अपना पिज़्ज़ा भी बनवाते हैं फिर आपसे बात करते हैं। तो शायद ये देखा, देख ये देखिए आप पिज़्ज़ा का साइज़ देखिए, ये पिज़्ज़ा का साइज़ स्मॉल साइज़ भी नहीं है, ये है मीडियम साइज़ में जो पिज़्ज़ा मिलता है आपको वो बेस है ये। ये कौन सा होता है भैया? ये फन एंड फूड की पिज़्ज़ा पास्ता टॉपिंग होती है। ये तो मेन तो पिज़्ज़ा की जान यही होती है जी, बिल्कुल बिना तो पिज़्ज़ा का मज़ा ही नहीं आता। बिल्कुल 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 जी। ये देखिए वेजीज देखिए, ये है इसमें प्याज है, शिमला मिर्च है और टमाटर है। इसके ऊपर अभी स्वीट कॉर्न और पनीर की फिलिंग होगी। ये स्वीट कॉर्न और पनीर ऊपर भैया डाल दिया, इसमें आपने मसाले डाले हैं कुछ? जी बिल्कुल, अपना मसाले गिरे हुए हैं इसके अंदर थोड़े से। अच्छा, ये मसाले हमारे अपने होते हैं, ये ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स हमारे यहाँ अलग से अवेलेबल रहता है, उसके अलावा हमारा अपना ये मसाला अलग रहता है जो हम इसमें यूज़ करते। और ये चीज़ जी बिल्कुल, ओ भाई ये मोज़रेला चीज़ है ना ये? जी बिल्कुल, ये देखें मोज़रेला चीज़।
और ये यहाँ पे हो रही है चीज़ की बारिश। देखो तुषार, ओए होए तुषार, तुझे मज़ा आने वाला है आज। क्या कहता है, लग रहा है ना मस्त यार। देखिए चीज़ की चीज़, देखिए आप चीज़ की क्वांटिटी देखिए। ये चला गया है अवन में, ये आपका बेक होने जा रहा है। हाँ ये भैया पिज़्ज़ा बेक हो रहा है हमारे। आपको 10 से 12 मिनट में आपको अवेलेबल। ये गैस अवन है, ओ भाई बहुत हीट है इसमें तो यार, 10 मिनट लगेंगे पिज़्ज़ा बनने में अपना भाई। अभी हमारा पिज़्ज़ा जो है बेक हो रहा है, तो भैया एक बात बता रहे हैं, ज़रा सुनिए। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि ये ब्रांच के बारे में तो सभी लोग जानते हैं कि गीता कॉलोनी में अवेलेबल है यहाँ पर पिज़्ज़ा आपके लिए। अगर आप कभी रोहिणी की तरफ भी जाते हैं तो आपको सेक्टर 7 D12 मार्केट, ये दिखा दो भाई, ये जो कि एड्रेस आपके सामने डिस्क्राइब हो रहा है, आप इसके यहाँ भी जा सकते हैं। और सेक्टर 17 में, सेक्टर 15 में भी हमारा जो है पिज़्ज़ा आपको जैन पिज़्ज़ा के नाम से अवेलेबल रहेगा। यही क्वालिटी, यही सब चीज़ें वहाँ पर आपको उपलब्ध है। ओ भाई ये देख, ओ मस्त लग रहा है यार, ये तो अपना है ना पिज़्ज़ा यार, ये किस प्रकार का ना खा जाए। ये देखिए कितनी मोटी लेयर है चीज़ की, ओए ये देखिए भाई, ये ग्रिल पिज़्ज़ा आपका रेडी हो चुका है। ग्रिल पिज़्ज़ा जी बिल्कुल। ये भैया का स्पेशल मसाला जैसे भैया ने बताया। तो मेरे टेस्ट पार्टनर्स आइए टेस्ट करते हैं, लग रहा है ना बड़ा टेम्पटिंग सा पिज़्ज़ा, मुझे तो बड़ा टेस्टी लग रहा है यार। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, आ जाओ यार सब मिलके शेयर करके खाएंगे, आ जाओ सारे। लुक एट दिस गाइस, हमारा पिज़्ज़ा चीज़ से भरा हुआ आ गया है। ट्राई करते हैं कैसा बना है, मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ एक पीस। ये देखिए गाइस, उड़ गया भाई चीज़, देखिए इसमें लग रहा है ना मस्त। ट्राई करें, ऑसम भाई मज़ा आ गया। मैं ये बोलूँगा नहीं कि ये किससे बेटर है, बहुत बेटर है, 100% और जगह से बेटर है। अब मैं नाम लेके बोलूँगा आपको कि यार मिशा ऐसे बोलते हैं यार, ऐसा कुछ नहीं है यार, ये पिज़्ज़ा सच में बड़ा मज़ेदार है। चीज़, वेजिज भर भर के, कॉर्न, मज़ा आ गया। आप तुषार ट्राई करते हैं बड़ा यार, ट्राई कर भाई कैसा लग रहा है। यार इन्होंने जो मसाला डाला हुआ है ना ऊपर, पहले मुझे लगा था चाट मसाला टाइप है, बट नहीं यार ये इसमें कुछ अलग ही टेस्ट है यार। बिना ओरिगैनो बिना चिली फ्लेक्स के ये पिज़्ज़ा बना है, पर बड़ा मस्त लग रहा है। और पनीर चीज़ पिज़्ज़ा है, सही है, कैसा लग रहा है भाई। बहुत बढ़िया सच्ची है, बहुत बड़ा पिज़्ज़ा। साइज़ पिज़्ज़ा का देखिए, ये क्यों किसी ब्रांडेड को प्रमोट करना है, वो तो ऑलरेडी प्रमोटेड है। हमें अपने इंडियंस को, अपने देसी को प्रमोट करना चाहिए। हाँ देसी स्टाइल पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा देसी स्टाइल नहीं है, चीज़ है, पिज़्ज़ा बेस है, वेजीज हैं, कॉर्न है, देसी जगह पे खड़े के खाओ पिज़्ज़ा, मज़ा आ जाएगा यार। जरूरी नहीं है कि हम पिज़्ज़ा हट कर जाके खाएँ यार, खाइए करो। तो दोस्तों पिज़्ज़ा हमने खा लिया, वैसे मैंने आज बहुत दिनों बाद पिज़्ज़ा खाया था, सभी दोस्तों बहुत मस्त पिज़्ज़ा था, चीज़ से भरा हुआ, चीज़ लोडेड, हम दो बंदों ने मिलकर ख़त्म किया पिज़्ज़ा, बड़ा मज़ा आ गया दोस्तों। इसको अभी हम फेंक देंगे दोस्तों, पहले एक बार भैया से बात करते हैं, एक बार और भैया को बोलते बताते हैं कैसा पिज़्ज़ा बना था, तो फिर वीडियो का करते हैं एंड। चलो भैया, भैया बड़ा मस्त पिज़्ज़ा था, बहुत मज़ा आया खा के आपका पिज़्ज़ा। क्या कहना चाहते हैं हमारे व्यूअर से आप? व्यूअर से तो यही कहूँगा कि हमारे भैया को सपोर्ट करें, हमारे यूट्यूबर पार्टनर हैं, और इन्हीं के माध्यम से देखिए मैं आपके रूबरू भी होता हूँ। तो थैंक यू भैया, बहुत बढ़िया पिज़्ज़ा आपने खिलाया हमें। तो भैया हम आए थे आज गीता कॉलोनी, रामलीला ग्राउंड के बिल्कुल सामने, जो गीता कॉलोनी थाना ना ये, जी बिल्कुल अपोजिट गीता, गीता कॉलोनी थाने के बिल्कुल पीछे भैया का कार्ट है, और ये गोविंद बैंक्वेट हॉल है।
ठीक है, उसके बिल्कुल सामने। आप कभी भी आइए, खाइए, आपको बहुत अच्छा लेने वाला है, ये इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो आज का व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अपनी अगली रेसिपी, अपने अगले व्लॉग पे। तब तक के लिए बाय बाय डियर पार्टनर्स, टेक केयर।